हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले देखेंगे। तो ये क्विक वीडियो होगा जिसमें हम सारे फॉर्मूले को क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो जब आप 8.1 पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले मिलेंगे देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले, यानी साइन कॉस टेन। हमें मिलेगा साइन कॉस टेन और इनके फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे। तो हमने क्या देखा था, हमने एक ट्रिक देखी थी, वो ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये वाली ट्रिक क्या थी, इसमें जो पी है आपका वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो बी होता है वो होता है बेस, और यहाँ पर जो एच है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, और टेन का फॉर्मूला पी बाय बी। इसी तरीके से इसके बाद आता है कोसेक, सेक और कॉट। तो हमने देखा था कि साइन का फॉर्मूला होगा पी बाय एच, तो कोसेक साइन के फॉर्मूले को जब हम इन्वर्स में ले जाएंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक का फॉर्मूला। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाय पी। इसी तरीके से सेक कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस होता है बी बाय एच, तो सेक हो जाएगा एच बाय बी। टेन होता है पी बाय बी, तो कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा यानी बी बाय पी। तो सबसे पहले जो हमारी 8.1 एक्सरसाइज थी उसमें हमने इन 6 फॉर्मूले को पढ़ा था। और हमने एक और चीज़ देखी थी, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, 1/ कोसेक थीटा। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोसेक थीटा को यहाँ कर दें और साइन थीटा को यहाँ, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या, 1/ साइन थीटा। फिर हमने देखा था कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, 1/ सेक थीटा, और जो सेक थीटा होगा, जब हम सेक थीटा को सेट ले जाएंगे तो नीचे कौन आ जाएगा, कॉस थीटा। और एंड में देखा टेन थीटा, तो जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, 1/ कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो जाएगा 1/ टेन थीटा। तो ये सारी चीज़ें तो हम इसी से देख सकते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, है ना। तो जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हम इससे खुद बना सकते हैं। फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा था, वो क्या था कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज नोन एज टेन थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब आप अगर और बेसिक में देखें, अगर किसी को नहीं पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, तो देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किस पे बात करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये हमने लिख दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका जो ए बी है ये है बेस, अगर हम थीटा यहाँ ले रहे हैं तो ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये आपकी है हाइपोटेनियस। तो जो ट्रिग्नोमेट्री उसमें इन्हीं किसी दो साइड का रेशियो ले लिया जाता है और उन रेशियो के नाम दे दिए गए हैं। जैसे पी बाय एच का अगर रेशियो लिया तो उसे क्या नाम दे दिया, साइन बी बाय एच के रेशियो को कॉस बाय बी के रेशियो को क्या बोला उन्होंने, टेन बोला। अब देखते हैं आगे। तो ये सब हमारे 8.1 में यूज होने वाले फॉर्मूले थे। जब हम 8.2 पर आएंगे तो हम देखेंगे एक टेबल, उस टेबल में हमें क्या दिया रहेगा, यहाँ पर हम रेशियोस लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इस साइड जो हमारे होंगे वो थीटा की वैल्यू लिखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। हमने इसे बनाने का तरीका देखा था, हमें बस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग एंगल पर निकालना सीखनी है, कॉस थीटा हम खुद निकाल लेंगे उसको उल्टा लिख के, और टेन थीटा इन दोनों को डिवाइड करके। तो देखो साइन 0 की वैल्यू और 30, 45, 60, 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
थ्री फोर तक के नंबर लिख दीजिए। अभी आप इन सबको किससे डिवाइड कर दीजिए, फोर से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद अब आप इन सब पे क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। तो देखो 0/4 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर तो आ गया 0। 1/4 क्या होगा, 1 का रूट होगा 1, और 4 जब रूट में से निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, 2 बन के। अब 2/4 का अब आप कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और आप इसका जब रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2, और 2 का रूट हम सीधे लिख देंगे √2। √3/4, तो 3 का रूट मतलब √3, और 4 जब रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2, और 4/4 तो हो जाएगा 1, और 1 का रूट आपका क्या निकल आएगा, 1। तो ये जो 0 है, 1/2 है, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपकी साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज निकल आई हैं। ओके, अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर दो। ये 1 को आप यहाँ लिख दो, √3/2 आपका इस साइड आ जाएगा, 1/√2 फिर नीचे ही आ जाएगा, 1/2 कहाँ चला जाएगा, इधर, और 0 आ जाएगा आपका इधर। यानी यहाँ से आपको वापस लिख देना, शुरू कर देना इसको उल्टा करके यहाँ से यहाँ तक। अब टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दोगे तो आपके टेन थीटा निकल आएगा। तो 0/1, 0 में आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0। 1/2 को जब आप √3/2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 आंसर आएगा 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आंसर आएगा, यानी √3 आंसर आया। और 1/0, देखो जब भी 0 किसी के डिनोमिनेटर में आए तो वो आंसर इनफाइनाइट के इक्वल हो जाता है, और इनफाइनाइट क्या होता है, अपन का नॉट डिफाइंड होता है। तो हम इसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। अब अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा यानी कोसेक थीटा यानी कॉस थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा निकालना है तो आप टेन थीटा का उल्टा कर दो, तो आपकी आगे की जो कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू है वो खुद ब खुद आ जाएंगी। तो 8.2 में हम इस बारे में पढ़ते हैं। अब 8.3 में हमने क्या देखा था, देखो ये आपकी हो गई 8.2 की बात, या आपकी पूरी कौन सी, ये जो अभी हमने बात करी थी यहाँ से यहाँ तक, जो भी ऊपर बात करी थी इससे पहले, ये आपकी 8.1 तक की बात थी। अब देखते हैं 8.3 में हम क्या देखेंगे। देखिए 8.3 में क्या देखेंगे हम, 8.3 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके बारे में जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल, फॉर एग्जांपल दो एंगल हैं एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई दो एंगल हैं, और अगर इनका सम 90 डिग्री हो जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन्हें क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी तरीके से जो 8.3 है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने देखा था कि जो साइन है और जो कॉस है वो क्या है, आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब आप अब समझोगे क्या, अब यहाँ पे देखिए एक बार, अगर एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है तो मैं y को कैसे लिख सकती हूँ, जो हमारा y है मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, y यहीं रहेगा x वहाँ चला जाएगा, 90 माइनस एक्स लिख सकती हूँ। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कैसे कह सकती हूँ, अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो साइन और कॉस होंगे ना बच्चों, वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आया तो ये सब भूल जाइए, बस आप इतना याद रखिए क्या, कि जो साइन है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। आपको बस ये याद रखना है क्या, कि साइन और कॉस दोस्त हैं, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होगा, और अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस थीटा क्या होगा तो वो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा।
एक चीज़ ये हो गई। इसी तरीके से जैसे साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री इच अदर के, मतलब इनके जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इन दोनों के थीटा को अगर मैं जोड़ूँ तो वो मुझे क्या दे देंगे, 90 डिग्री दे देंगे। इसी तरीके से साइन और कॉस जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसी तरीके से आपके टेन और कॉट भी हैं, उसी तरीके से आपके सेक और कोसेक भी हैं। ये सब क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर हमने क्या देखा, अगर मैं लिख दूँ टेन थीटा तो वो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से जो कॉट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। ये पढ़ा था हमने। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, यही वाला, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। मतलब आपको एक एक याद रखना है, यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन वाला, टेन वाला और सेक वाला, तो आप उल्टा खुद ही बना लोगे। क्यों, क्योंकि अगर साइन कॉस में बदल रहा है तो कॉस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से टेन कॉट में तो कॉट टेन में, और सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में। तो ये आपकी 8.3 में सिर्फ ये 6 फॉर्मूले हैं और इस पर पूरी 8.3 सॉल्व हो गई थी। अब देखो 8.4 में क्या है, जो आपकी 8.4 एक्सरसाइज है उसमें आपको तीन आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगर आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बिल्कुल रटी हुई हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 का हर सम कर सकते हो। पहली आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब इसी से वो लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से आपको पूछ लेंगे। इसी से मैं आपको दो आइडेंटिटी और बना के दिखाती हूँ कैसे। वो आप मुझसे बोल देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को बताओ फॉर्मूले में, कॉस के टर्म में, तो क्या होगा भाई, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे आपको क्वेश्चन में लिखा, लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप उसको क्या लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे एक तो ये बन गई, इसी तरीके से इससे एक और बनाते हैं। इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को 1 के उस साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन आइडेंटिटी कौन सी आपकी, आपको याद कौन सी करनी है, ये वाली। ये दोनों चीज इससे क्या हो गई, डिराइव होकर आ गई। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी जिसे याद होती है वो 8.4 को अच्छे से सॉल्व कर लेता है, आर एस अग्रवाल के सम भी अच्छे से कर लेता है, और जिसे ये तीन याद नहीं है वो इन सम्स को अच्छे से नहीं कर पाता। तो आपका काम होगा 8.4 अगर आपको अच्छे से सॉल्व करनी तो आप इन तीनों को एकदम रट लीजिए। अब देखो यहाँ से दो आइडेंटिटी निकालें, एक बार प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों इससे क्या हो गई, डिराइव होकर आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो आपको बेसिकली क्या, ये तीन आइडेंटिटी अगर आप याद कर लो तो ये दोनों तो आप खुद बना सकते हो सब में। ओके, तो 8.4 में सिर्फ इनकी बात है, 8.3 हमने पढ़ ली थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, 8.1 और 8.2 अभी हमने देख लिया क्या, कि पी बाय एच, पी बाय बी, पी बाय बी बाय एच, ये सब आपका 8.1 में था जो हमने पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले से याद किया था। उसी तरीके से 8.2 का जो टेबल था वो भी हमने देख लिया कि कैसे बनाना है, कि पहले क्या करना है 8.2 के टेबल को बनाने के लिए, 0, 1, 2, 3, 4 आप लिख दो, अगली बार में आप सबको 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद सब पे रूट चढ़ा दीजिए, और जो जो आंसर आएगा वो आपकी साइन 0, 30, 45, 60, 90 की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ होंगी।
कॉस थीटा क्या होगा, ये जो 1 है इसको आप यहाँ पर क्या करो, वापस ऐसे 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 यहाँ पे यहाँ से लिखना शुरू करो, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, टेन टी टेन को डिवाइड करके। रही बात कोस एक्स सेक और कॉट की, तो वो क्या होगा, इन्हीं का रेसिप्रोकल होगा। अब देखो, अब कोई चीज़ अगर छूट रही है तो वो यही छूट रही है कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। भाई साइन जो होता है इसे कहते हैं साइन, SINE साइन। कॉस जो होता है ये आपका कोसाइन होता है, तो कोसाइन से ये बन गया कॉस। टेन को कहते हैं टेंजेंट, तो टेंजेंट से ये बना टेन। कोसेक का फुल फॉर्म है कोसेकेंड, सेक का फुल फॉर्म है सेकेंड, और कॉट का फुल फॉर्म है कॉट कोटेंजेंट। कॉट का फुल फॉर्म क्या है, कोटेंजेंट। इतनी चीज़ अगर आपको आ गई तो आप पूरा चैप्टर 8 ईजिली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।